कल की नेहा में ऑनलाइन क्लासेस और क्लास 9 का हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और मैंने 1.1 एक्सरसाइज आपको करवा दी थी। अब नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको कि जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था रैशनल नंबर्स की रैशनल नंबर्स है ना कि हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, then we read about this integers, then rational numbers और क्लास 9 में आपको नया पढ़ना है irrational numbers। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको कि those numbers which can be represented in the form of p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम रैशनल नंबर्स की बात इरैशनल नंबर्स की बात करें दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। तो जो डेफिनेशन हमने रैशनल नंबर के लिए अप्लाई करी है बस उसी के अपोजिट, दैट मींस दोस रैशनल नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में अगर हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उन्हें हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रैशनल नंबर्स भी हैं, इरैशनल नंबर्स भी हैं
और इस बैग को पूरे को हमने रियल नंबर नाम दिया है। तो अगर मैं इस बैग में से रैशनल नंबर्स हटा दूं, है ना, रियल नंबर्स के बैग में से, है ना, रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो रियल नंबर्स के बैग में से अगर मैं रैशनल नंबर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू वो हटा दूं, दैट मींस की सबट्रैक्ट कर दूं, है ना, सबट्रैक्ट, एक्चुअल सबट्रैक्शन नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द नोटेशन की अगर हम सेपरेट कर दें उसमें से, तो आपके पास ये जो आर माइनस क्यू है, मतलब जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी, नंबर्स बचेंगे, दैट आर इरैशनल नंबर्स। और इसीलिए इरैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है आर माइनस क्यू से। इसका कोई पर्टिकुलर वन सिंबल नहीं है, आर माइनस क्यू की फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स का कलेक्शन है ना, सबको अपन मिक्स कर देंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे, और इस रियल नंबर्स में अगर हम रैशनल नंबर्स हटा दें तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इरैशनल। दैट मींस वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ द नंबर्स, सम आर रैशनल एंड सम आर इरैशनल, बट बोथ आर दिस रैशनल इरैशनल आर रियल नंबर्स। तो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हमें इस इरैशनल नंबर को नंबर टाइम पे बताना है, दैट इज द रियल नंबर, ये भी है रियल ही, है ना, रियल नंबर के बैग में ही है। तो इरैशनल नंबर्स को हम कैसे रियल नंबर टाइम पर रिप्रेजेंट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो अगर हम इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करें, इरैशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं, दैट आर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने रूट फोर नहीं लिखा है यहाँ पर, रूट नाइन नहीं लिखा है मैंने, है ना, क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स नहीं है ना। वी नो दैट कि रूट फोर इज इक्वल टू टू एंड रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री, विच आर टू एंड थ्री आर रैशनल नंबर्स, नॉट इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट रिमेनिंग जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, चाहे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, दैट ऑल आर इरैशनल नंबर्स, भले हम रूट सिक्स ले, रूट सेवन, रूट टेन, रूट एट, ना आपको प्राइम नंबर्स से भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ओनली रैशनल नंबर्स, नॉट लाइक दैट। सिक्स देखिए आप, टू थ्री फाइव आर प्राइम नंबर्स, बट रूट सिक्स, सिक्स इज नॉट प्राइम, बट इवन दैट इट इज एन इरैशनल। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट अगर हम देख रहे हैं तो देट आर द रैशनल नंबर्स, और रिमेनिंग जितने भी है ना, रूट सिक्स है, रूट टेन है, रूट एट है, और दिस आर नॉट प्राइम नंबर्स, इवन देन दिस आर द इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ, दिस पाई, आप पढ़ते हो पाई ना, दिस इज 22/7, अगर ये 22/7 लिखा जाए, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली। तो अगर 22/7 है तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बट अगर हम देखें कि पाई की वैल्यू, आप देखना अपनी टेक्स्ट बुक में कि बहुत ही लंबा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसलिए पाई भी आपका क्या है, ई रैशनल नंबर की कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो दिस डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड ई रैशनल। यहाँ पर मेन चीज आपकी ये है ना, ये ध्यान रखना है आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर्स बनाएगा, जबकि बाकी जो है वो इरैशनल नंबर्स बनाएगा। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 1.2। नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अबाउट ट्रू फॉल्स, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल का कलेक्शन जो है वो रियल नंबर कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑब्वियसली कि इरैशनल नंबर सारे क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, दैट मींस दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, और जस्टिफिकेशन के लिए हम यही डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज इन नेचुरल नंबर। क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि नंबर लाइन का हर पॉइंट, है ना, नंबर लाइन यूज करते हैं, दिस इज द रियल नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। सपोज मैं अभी इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ही बना दूं, दिस इज 1 2 3 4,
एंड दैट इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. इट इज सेइंग दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ अपॉन रूट एन. ये हर नंबर को हम रूट एन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो आपको ये रूट स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए. स्क्वायर रूट हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स का नहीं लेते. तो आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस नेगेटिव नंबर को रूट एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके. तो दिस नेगेटिव नंबर्स जो है हमारे पास दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट एन. दैट मीन्स दिस सेंटेंस सेकेंड इज फॉल्स. इज इट ओके? पॉजिटिव नंबर्स में से हम लिख सकते हैं बट दिस नेगेटिव नंबर्स को हम नहीं लिख पाएंगे. और द थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. जैसे अभी मैंने बताया था कि रियल इज रियल नंबर्स आर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. जब यहां क्या लिखा हुआ है, सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं, राइट? दैट मींस रैशनल और इरेशनल. दैट मींस दिस सेंटेंस इज आल्सो फॉल्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज दैट? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या वो इरेशनल होगा? ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. सपोज आई राइट रूट वन रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव लाइक दिस. तो अगर हम देखें इसमें तो इरेशनल के बारे में पूछ रहे हैं. और अभी मैंने आपको बताया था कि दिस रूट फोर मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे वन टू थ्री फोर ऑल दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें और देखें कि दिस रूट फोर इज इक्वल टू टू विच इज रैशनल नॉट इरेशनल. तो जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसमें दैट इज नो, है ना? एंड इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर. तो एग्जांपल के लिए हम ये रूट फोर ही यूज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल रूट फोर इज इक्वल टू टू. आप चाहो तो रूट नाइन भी ले सकते हो, आप चाहो तो रूट सिक्सटीन भी ले सकते हो. सो मेनी नंबर्स आर देयर विच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस पार्ट, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर. ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर.